नॉन स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक पर बात करेंगे, वो है एस्ट्रेयस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या लाइफ हिस्ट्री, उसकी पूरी किस तरह से कंप्लीट होती है। एस्ट्रेयस जैसे आपने भी पढ़ा है हमने हमारी पहली क्लासेस में, एस्ट्रेयस एक इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है और इसको हम कॉमनली स्टारफिश के नाम से भी जानते हैं। 5 आर्म्स इसके पास में पाए जाते हैं और इसलिए हम इसको स्टारफिश के नाम से भी जानते हैं। डिटेल में अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एस्ट्रेयस एक यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, मतलब इसके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग इसके अंदर पाए जाते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके होते हैं वो इसके हर आर्म के अंदर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 5 भुजाएँ होती हैं इसके पास में, तो हर आर्म के इसके पास में गोनेड्स उपस्थित होते हैं, टेस्टिस और फीमेल गोनेड्स ओवरी इसके पास में उपस्थित होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये गोनेड्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं और गोनोडक्ट के थ्रू, ये जो भुजा में आप दिखाई दे रहा है गोनड है, गोनोडक्ट है, और उस गोनोडक्ट के पास में एक छोटी सी ओपनिंग होती है गोनोपोर की, जिसके थ्रू क्या हो जाते हैं, ये पानी में छोड़ दिए जाते हैं। जो स्पर्म और ओवा मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल है या डेवलपमेंट, जब इनका लाइफ साइकिल शुरू होता है, 1 ईयर माना जाता है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब स्पर्म और ओवा पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, उस भुजा के गोनोपोर अबोरल सरफेस की तरफ, अबोरल मनी जिस तरफ इनका मुख नहीं गुदा पाई जाती है, एनस प्रेजेंट होता है, उस तरफ इनकी एक छोटी ओपनिंग होती है गोनोपोर, जिसके थ्रू गोनेड्स जो है वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं। चाहे हम स्पर्म की बात करें चाहे हम ओवा की बात करें, वो क्या हो जाता है, पानी में छोड़ दिए जाते हैं। बहुत हज़ारों की संख्या में स्पर्म और ओवा पानी में छोड़ दिए जाते हैं और निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो वहीं पानी में एक्सटर्नली संपन्न होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है वो एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि इसके अंदर डिफरेंट लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसको पार करते हुए ये अडल्ट स्टारफिश में तब्दील होता है। जो जाइगोट है जब डेवलप हो जाता है वो स्फेरिकल होता है, फिर उसमें क्लीवेज होता है, क्योंकि योग का अमाउंट बहुत कम होता है इसलिए क्लीवेज विदलन पूरा पाया जाता है। ब्लास्टुलेशन करके वो सीलो ब्लास्टुला का निर्माण कर देता है और फिर उसके बाद में इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है, जिससे कि सीलोमिक पाउचेस बनते हैं। जैसा अपन डायग्राम में देख सकते हैं सीलोमिक पाउचेस बनते हैं, और सीलोमिक पाउचेस बनने के बाद में ये गैस्ट्रोला जो है, जब ये इसमें तब गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तभी अपनी पहली लार्वल अवस्था में चला जाता है, जिसको कि हम अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा या डाइप्लूरा लार्वा भी कहते हैं। इस बाइपिनेरिया लार्वा के पास क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये एग शेप का स्ट्रक्चर होता है और द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्रिकली ये शो करता है। इसके पास में ब्लास्टोपोर होता है, जहाँ से गुदा का या एनस का फॉर्मेशन होता है, और आर्केंट्रॉन जो गैस्ट्रोलेशन के बाद में है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसमें ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन बनता है। ये लार्वा जो है ये यूनिसेल्युलर एल्गी पर फीड करता है। फिर उसके बाद में अर्ली बाइपिनेरिया से बाइपिनेरिया लार्वा में वो तब्दील हो जाता है। ये बाइपिनेरिया लार्वा क्या हो जाता है, इसके पास में ये द्विपार्श्व सममित तो होते ही हैं, उसके अलावा इनके पास में प्री ओरल और पोस्ट ओरल लोब हो जाते हैं, जो कि सीलिएटेड पाए जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्री ओरल और पोस्ट ओरल लोब सीलिएटेड बैंड इसके पास में उपस्थित होते हैं। ये सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि वो उसको पानी में तैरने के लिए या फिर उसको खाना पानी लेने के लिए हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो इसके अंदर पाया जाता है। ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये डायटम्स पर या फिर छोटी मोटी एल्गी के ऊपर फीड करता है। अब ये अपना फ्री करता हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करता है और ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है अपनी तीसरी लार्वल स्टेज में चला जाता है, जिसको कि हम ब्रैंकोलेरिया लार्वा कहते हैं। ये ब्रैंकोलेरिया लार्वा आखिरी लार्वल स्टेज होती है स्टारफिश की, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो साइड लोब्स हैं बाइपिनेरिया के वो इंक्रीज हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, लेंथ वाइज बढ़ जाते हैं,
और बढ़ने के साथ में इस ब्रैंक्योलेरवा लार्वा से सिलोमिक प्रोलोंगेशन और टिप्स पर एडहेसिव सेल्स उपस्थित होने लग जाते हैं। ये एडहेसिव सेल्स का फंक्शन क्या हो जाता है, ये फिक्सेशन करते हैं, फंक्शन करते हैं शक्कर की तरह, फिक्सेशन टिक्स की तरह एक्ट करते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के समय पर जब ये बाय ब्रैंक्योलेरिया लार्वा जो है ये सेटल हो जाता है एडहेसिव डिस्क की सहायता से, ये किसी सबस्ट्रेटम से किसी जगह से चिपक जाते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद में उनसे निकल कर जो बाहर आते हैं वो वहाँ पर अडल्ट स्टारफिश होती है। ये मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का जो समय है ये इनको 6 से 7 हफ्ते लगते हैं, जिसमें कि ब्रैंक्योलेरिया लार्वा जो है वो अपने अडल्ट स्टारफिश के अंदर निकल कर बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो चेंजेस उसके अंदर आने लगते हैं मेटामॉर्फोसिस के समय पर, कि जो लार्वा का माउथ और एनस है वो बदल जाते हैं, न्यू माउथ फॉर्म हो जाता है, न्यू एनस डेवलप हो जाता है, स्केलेटल एलिमेंट्स उसमें उपस्थित होने लग जाते हैं, 2 arms ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम द सीलोम फॉर्म द फर्स्ट ट्यूब फिट एंड सर्व फॉर द अटैचमेंट, द न्यूली डिटैच रूडिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सी स्टार इज लेस देन 1 millimeter विद शॉर्ट स्टबी आर्म। धीरे धीरे 1 millimeter के लेंथ से होता हुआ वो अपनी पूरी अडल्टहुड अटेन करता है और फिर से वही लाइफ साइकिल वो जो है वो दर्शाता है। इस तरह से हमने जाना कि स्टारफिश का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें वो 3 larval stages को पार करता है। थैंक यू।